गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस स्टैंड जैसा कि न्यूज है यूपी ट्रिपल एस की तरफ से देखिए जैसा कि आयोग तरफ से क्या मतलब न्यूज़ आई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ जैसा कि ये न्यूज़ आज है 11 जनवरी की और ये दो बज के छः मिनट पर पब्लिश की गई है यूपी सरकार पर हज़ारों नौकरियों के लिए अप्रैल में हो सकता है पहला पीईटी जल्द जारी होगा यूपी ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन तो देखिए यूपी ट्रिपल सी का जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है साथ ही में आपको मैं बता दूँ कि ये अप्रैल में जो हो सकता है अप्रैल में के जो आ रही है खबर कि अप्रैल में नया नोटिफिकेशन पीटी के साथ आएगा तो उसके बारे में देखिए क्या न्यूज़ है और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो पुरानी हैं और जो रिजल्ट हैं वो कब तक आ पाएंगे जैसा कि जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं यूपी सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हज़ारों पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत जल्दी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी इसके बाद भर्तीय के संबंध में विज्ञापन निकालकर आयोग आवेदन लेगा तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो आयोजन है अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी कर रहा है तो देखिए पीई के साथ यानी अप्रैल में होने की संभावना है यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी फरवरी मार्च अप्रैल तक ये जो पुरानी परीक्षाएं करा दी जाएंगी यानी जेई दो हजार दो और फॉरेस्ट गार्ड और ए और लोअर टू की जो परीक्षाएं हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में कंडक्ट करा ली जाएंगी जैसा कि मैंने

जैसे इंटरमीडिएट से कौन सी वैकेंसी आएगी ग्रेजुएशन से प्रोफेशनल कोर्स या फिर अपना टेक्निकल कोई कोर्स कर रखा है तो उसके पर बात मतलब बात चल रही है कि प्रीलिम्स के बाद उनके जो एग्ज़ाम है वो कैसे कराए जाएंगे जो पीटी का सिलेबस है यूपी ट्रिपल ट्रपल एस सी द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स अगला बताया जा रहा है कि पीटी के नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित किए जाएंगे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी यानी परसेंटाइल बेस पर आएगा जैसे कि आपने कैट का एग्जाम दिया होगा या फिर और कोई दूसरे एग्ज़ाम जो परसेंटाइल बेस पर आते हैं ठीक है तो देखिए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पीईटी e. स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी यानी कि जो पीईटी e. कर लेंगे वही मेंस के लिए बैठ पाएंगे तो उनकी जैसे चाहे वो पुलिस का स्टूडेंट हो चाहे वो टेक्निकल का स्टूडेंट हो या फिर नॉन टेक्निकल का स्टूडेंट हो ठीक है पीई e. का स्कोर एक साल के लिए मान्य होगा इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार होगा यानी कि पीई साल में एक ही बार होगी और एक साल के लिए इसका स्कोर कार्ड मान्य होगा तो यानी कि एक साल में जो भी वैकेंसी आएंगी वो स्टूडेंट फिल कर सकते हैं प्रवीर कुमार जो अध्यक्ष हैं का कहना है कि आयोग की भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है जिससे भर्ती में आसानी हो प्रारंभिक परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा तो होगी होगी पर प्रारंभिक परीक्षा से पहले पहले आपकी जो पुरानी भर्तियाँ हैं जो मैं बताने जा रहा था पुरानी भर्तियाँ पहले डिक्लेयर होंगी यानी कि जैसे चाहे ए की परीक्षा हो फॉरेस्ट गार्ड की हो या फिर आपकी लोअर मेन् स्टो की परीक्षा हो या फिर जेई दो हज़ार सोलह दो हज़ार अठारह ये परीक्षाएं पहले होंगी और ये मार्च में हो जाएंगी उसके बाद ही आपका पीईटी लागू होगा तो ये परीक्षाएं होने जा रही हैं यानी आपके पास एक दो महीने का टाइम ही बचा है अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहें आपको अपना जो एग्जाम है जल्दी ही देखने को मिल जाएगा वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत